नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकवादी वारदात करने की साजिश रच रहे जैशे मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को गुरुवार शाम गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में ये आतंकी श्रीनगर के हजरतवल इलाके से अरेस्ट किए गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। भारत द्वारा लगातार ये कहे जाने के बाद कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, खबर आ रही है कि भारत इस साल होने वाले SCO सदस्य देशों की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आमंत्रित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने SCO के सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में इमरान खान को आमंत्रित किए जाने के सवाल पर कहा है कि सभी 8 देशों और 4 पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के साथ मुलाकात को लेकर दिए बयान पर बवाल के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना बयान वापस ले लिया है। राउत ने कहा कि वे हमेशा से इंदिरा गांधी के समर्थन में बोलते आए हैं और उनका सम्मान करते हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची हो तो वे अपना बयान वापस लेते हैं। दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से निर्भया मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बता दें, मामले के दोषी मुकेश ने दया याचिका लंबित कर रखी है, जिसके कारण दिल्ली सरकार ने कहा है कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती है। अब कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। निर्भया के दोषियों की फांसी में देरी पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ढिलाई के कारण दोषियों की फांसी में देरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आप पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि न्याय में देरी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 2.5 साल में दिल्ली सरकार ने दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया। वहीं सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ने दया याचिका पर तुरंत एक्शन लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में नागरिकता कानून के समर्थन में एक रैली में कहा है कि बिहार में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की खातिर कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले JDU प्रमुख नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो संशोधित नागरिकता कानून पर फिर से बहस करने के लिए तैयार हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए आतंकवादियों और उनका साथ देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय रायसीना डायलॉग प्रोग्राम में जनरल रावत ने कहा कि आतंकवाद को अमेरिका के तरीके से ही परास्त किया जा सकता है। उन्होंने आतंकवादी संगठनों के साथ शांति समझौते के बारे में कहा कि ऐसे समझौतों में अमन चैन सुनिश्चित की गारंटी ली जानी चाहिए। केरल सरकार ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे नाराज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा है कि मुझे उनके सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें सबसे पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। एक संवैधानिक पद का मुखिया होने के नाते इसकी जानकारी मुझे अखबार से मिलती है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं केवल रबर स्टैंप नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2019 के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार द्वारा वसूली जाने वाली 1.47 लाख करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगाने की मांग की गई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ने अफगानिस्तान को जबरदस्त प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन इसके साथ ही हम पाकिस्तान को ये कैसे समझाएं कि हम सबसे अच्छे भाई हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रायसीना डायलॉग के दौरान कहा कि हमें सफल होने के लिए शांति प्रक्रिया की आवश्यकता है। BCCI ने पिछले 6 महीने से मैदान से दूर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को केंद्रीय अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। बता दें कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सेमीफाइनल में हार के बाद से धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। वह टेस्ट मैच से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और अब BCCI के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि धोनी के लिए राष्ट्रीय टीम में खेलने का रास्ता मुश्किल हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे ट्रेड वॉर का अंत हो चुका है, जिसका असर आज शेयर बाजार में देखने को मिला। शेयर बाजार में सेंसेक्स जहां 59.83 अंक की बढ़त के साथ 41,932.56 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 12 अंकों की तेजी के साथ 12,355.50 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान सेंसेक्स 42,059.45 अंक के स्तर तक गया, जबकि निफ्टी 12,389 तक गया। अब तक के खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।